काफी सारे लोग डिसीजंस के बारे में पूछते हैं कि मेरा डिसीजन है राइट है कि रॉन्ग है, निर्णय सही है कि गलत है, और उसके बारे में लोग हमको काउंसिलिंग के लिए काउंसिलिंग में पूछते रहते हैं, फोन करके पूछते रहते हैं। तो आइए उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ और महाराष्ट्र में अकोला नागपुर पुणे मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हमारे हॉस्पिटल से। डिसीजन लेने का समय आता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट करने वाले दो चीज़ें हैं या दो बातें हैं। एक बात है वो है लॉजिक, रीजनिंग या इंटेलेक्ट, और दूसरा जो है वो है भावना, इमोशंस या फीलिंग्स। क्या होता है कि कभी कभी हम फीलिंग से निर्णय लेते हैं और फिर गलती हो जाती है। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं, बोले फील मुझे हो रहा है, प्यार हो रहा है, फील हो रहा है उसके साथ में मैंने शादी करना चाहिए, और फीलिंग है प्यार में है, अंधा प्यार है, कोई लॉजिक नहीं है। वो लड़की को लेके पिताजी माँ बाप हमारे पास में आते रहते हैं, वो बताते हैं कि वो लड़का जो है जिसके ऊपर ये प्यार करती है वो भटकते रहता है, दिन भर काम धंधा करता नहीं, शराब पीते रहता है, मगर लड़की को लगता है फील होता है कि मेरा प्यार है और मैं उसको सुधारूंगी, कोई लॉजिक ही नहीं। तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम आता है। कभी कभी फील ऐसा होता है कि मैं बिजनेस चालू करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लॉजिक कुछ भी नहीं है, ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है, तो फीलिंग से कुछ नहीं होता और फिर प्रॉब्लम आता है। कभी कभी इंटेलेक्ट में निर्णय लेंगे, इंटेलेक्चुअल, और वहाँ फीलिंग ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आता है। अभी मेरे पास में एक लड़की को लाया था, वो नर्वस थी, डिप्रेस थी, बोल रही कि मेरी इच्छा नहीं थी मगर फिजियोथेरेपी के लिए मुझे मनाया गया, पटाया गया पेरेंट्स ने, और अभी मैंने एडमिशन लिया फिजियोथेरेपी के लिए। अभी लॉजिकली उसको अच्छा लगा कि नहीं, फिजियोथेरेपी अभी बहुत ग्रोइंग ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है और बहुत अच्छा फ्यूचर है, करियर अच्छा हो जाएगा, फीलिंग ही नहीं, उसको मज़ा ही नहीं आ रही, उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो ये देखना है कि कोई भी डिसीजन हम जब लेते हैं तो उसके ऊपर तुरंत, मतलब निर्णय ना लेते हुए या कोई भी चीज़ उसके ऊपर तुरंत निर्णय ना लेते हुए उसको जस्ट सिंक होने देना, उसको टाइम जाने दो। कभी कभी भावनाओं में आके निर्णय लेते हैं तो बाद में गलत हो जाता है, टाइम जाने दो। कुछ दिन जाने के बाद में, 10 दिन, 15 दिन, महीना जाता है और बाद में भी आपको लगता है कि नहीं मैंने धंधा चालू करना चाहिए, या एक समझो आपका प्यार है किसके प्रति, लड़की के प्रति, लड़के के प्रति प्यार है, जाने दो महीना दो महीने, देखो बात नहीं किया समझो एक महीना भर, तभी भी वो प्यार कायम है। क्योंकि अभी प्यार करते रहते शादी करेंगे और बाद में लॉजिक आएगा, बाद में इंटेलिजेंस आएगा, बाद में मालूम पड़ेगा अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, कैसा रहना, और फिर वो शादी बर्बाद हो जाएगी। तो दोनों का होना जरूरी है, समय देना जरूरी है, कुछ समय के बाद में निर्णय लो। तुरंत झटपट निर्णय लेके काफ़ी बार निर्णय गलत हो सकता है, और यदि आप निर्णय लेते हो उसके सब साइड्स, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, निर्णय लिया तो क्या नुकसान क्या फ़ायदा है, निर्णय नहीं लिया तो क्या नुकसान क्या फ़ायदा है, ऐसे दोनों तरफ हम देखते रहते शांति से। भावनाओं में आके नहीं लेना, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंस में आके निर्णय लेना, ऐसा करते हैं तो 100% डिसीजंस आपके राइट होंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये आप करेंगे तो जरूर आप सक्सेस के प्रति, सक्सेस के तरफ चले जाएंगे, सफलता के तरफ चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो आपके सब ग्रुप में ये वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन जाता उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।